नमस्ते। जैसा कि हम जानते ही हैं कि मेरा भारत महान है और उसके आधार में पुरानी परंपराएं जो पुरातत्व परंपराएं कहलाती हैं तथा ऋषियों मुनियों के दिखाए हुए मार्ग हैं जो हमें ना केवल निरोगी रखते हैं बल्कि हमारा परिश्रम से कमाया हुआ धन भी बचाते हैं। थोड़ा समय बचाने के चक्कर में हम अपनी परंपराओं को धूल से गए हैं और बड़ा पैसा खर्च करके फिर भी दुख उठाते हैं। यहां कुछ उदाहरणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि हमें किन संस्कारों को, किन आदतों को नहीं छोड़ना चाहिए था, और यदि अब भी हम जागरूक हो जाएं, तो संभवतः लाभ अब भी उठा सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। बात प्रारंभ करते हैं सफाई से। पहले तो नियमित रूप से घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। धूप कपूर या लोबान जलाकर घर की ऊर्जा को शुद्ध करना चाहिए। अगरबत्ती भी जला सकते हैं, परंतु सुनिश्चित कर लें कि उसके अंदर जो लकड़ी यूज की गई है वो लकड़ी बांस की लकड़ी नहीं होना चाहिए। बांस को जलाना अच्छा नहीं होता। विभिन्न सुगंधित ऑयल्स जलाकर भी आप घर को शुद्ध कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं है तो घर में घी का दीपक जला लें। नीम का दीपक जलाने से सभी कीड़े मकोड़े तथा मच्छर मक्खी भाग जाएंगे। नीम व बबूल की दातुन का उपयोग करना, दातुन जो कहलाता है ना, लकड़ी जो एक इंच जाड़ी होती है, एक इंच मोटी होती है हमारी उंगली के बराबर, उससे दांतों को साफ करना बहुत ही हितकर होता है। यह दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पुराने समय में तो लोग दातुन करते थे तथा नमक व कोयले को पीसकर दांत चमकाते थे। उनके दांत 70 साल की आयु तक उनको कोई भी तकलीफ नहीं देते थे और डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर होता क्या है वे जानते ही नहीं थे। नारियल तेल में विभिन्न जड़ी बूटियां डालकर उसे पका लें। यदि डैंड्रफ हो तो कपूर या रोजमेरी ऑयल मिला लें। यदि सिर में खुजली हो तो नीम का तेल। सप्ताह में 2 बार इस ऑयल से सिर की मालिश करें, फिर देखें बाल किसी भी महंगे शैंपू या ऑयल के प्रयोग से भी अच्छे हो जाएंगे। महीने में कम से कम 1 बार हल्दी आटे का उपटन लगाएं। इससे ना केवल आपका रंग साफ हो जाएगा, आप गोरे हो जाएंगे, बल्कि त्वचा अंदर से साफ, चिकनी तथा रुओं से साफ हो जाएगी। चेहरे पर घर का बना क्रीम जिसमें एलोवेरा या घृत कुमारी डालें, उसमें विभिन्न ऑयल मिलाकर नियमित रूप से किसी भी सब्जी या फल के जूस के साथ में मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर फेस पैक लगाएं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं ज्वेलरी की, गहनों की। गोल्ड, सोना जो होता है वह एक गैर विषैली वस्तु है। उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि यह रक्त का प्रवाह को बढ़ाता है तथा शरीर में आए हुए ब्लॉकेज को दूर करता है। गहनों का प्रयोग शरीर के लिए निरोगी रहने के लिए अति आवश्यक है।
नकली गहनों का प्रयोग जो आजकल प्रचलन में है उसका प्रयोग रोक देना चाहिए। सोना आपको ऊर्जा व गर्मी देता है। इसे सिर पर धारण किया जाए तो टीके के रूप में या फिर क्राउन के रूप में, तो हमें ऐसी ऊर्जा से वो परिपूर्ण करेगा कि हम बहुत ही अधिक कामयाब हो जाएंगे। गले में पहने जाने वाले हार हमारी गर्दन के आकार को सही रखेंगे तथा हम अच्छे वक्ता होंगे जिन पर लोगों को विश्वास होगा और लोग उनकी बात सुनेंगे। आपने पुराने समय में राजा महाराजाओं को सोने के मुकुट तथा बड़ी बड़ी मालाएं पहने देखा होगा। कानों में छेद करवाने से और उसमें सोना पहनने से जननेंद्रियां सक्रिय होती हैं तथा निरोगी होती हैं। एक इलेक्ट्रिक करंट जो शरीर में दौड़ता है वो इन कानों के गहनों से कंट्रोल में आता है। हार्निया नामक रोग इन गहनों से, कान के गहनों से बचाव करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कानों में छेद करवाकर सोना पहनने से दिमाग में क्लियरिटी आती है और दिमाग में बुद्धिमानी बढ़ती है। कानों से संबंधित सभी व्याधियां नष्ट होती हैं। महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित सभी व्याधियां प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। भारतीय 16 संस्कारों में नवा संस्कार कर्ण छिद्र संस्कार है, कानों में छेद करवाने वाला। उसके अनुसार पहले बाएं कान में, फिर दाएं कान में और अंत में बाईं नाक में छेद करवाया जाता है। नाक में छेद करके सोना पहनने से हार्निया नामक रोग से छुटकारा होता है और हमारे हार्मोन्स संतुलित होते हैं। नाक से संबंधित रोग कम होते हैं। यह नाक का छिद्र जहां किया जाता है वह पॉइंट एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, जिसके कारण महिलाओं में मासिक धर्म की व्याधियां दूर होती हैं। हमारी कलाइयों में भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इस कारण चूड़ियां इन पॉइंट्स को सक्रिय करती हैं। हमारे जननांगों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है चूड़ियों का। गर्भाशय, ओवरीज तथा टेस्टिकल्स पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। भारतीय परंपरा में सोने चांदी के साथ कांच की चूड़ियां पहनना सुहागनों के लिए अनिवार्य होता था। इसका कारण यह है कि जिस घर में चूड़ियों की खन खन की आवाज, खनकती चूड़ियों की आवाज आती है, उस घर से नकारात्मकता कोसों दूर भाग जाती है। वैसे तो पुरुष भी कड़ा धारण करते हैं। लगातार जब आप कड़ा या चूड़ियां धारण करते हैं तो उन धातुओं का कलाई पर घर्षण होता है जो शरीर में खून का प्रवाह बढ़ाता है। जो ऊर्जा शरीर से बाहर जा रही होती है वो चूड़ियों से टकराकर वापस शरीर में आ जाती है। शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होती है। परंतु यहां दो बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक तो आपकी कलाई के सही माप की चूड़ियां होना चाहिए, ना तो अधिक बड़ी ना ही छोटी। टाइट चूड़ियां नहीं पहनना है, खनकना चाहिए उनको, हिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चिटकी हुई चूड़ियां, कांच की चूड़ियां कभी नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कभी नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास आती है,
हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो कांच पहले उसे अपने ऊपर ले लेता है और चूड़ियां चटक जाती हैं। सोने की अंगूठी यानी यदि तर्जनी उंगली में पहनी जाए तो हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है। यदि मध्यमा में पहनी जाए तो यश तथा ख्याति मिलती है और धन को बढ़ाती है। अनामिका में यदि पहनी जावे तो आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है। छोटी उंगली यानी कनिष्का में यदि पहनी जावे तो शरीर सर्दी गर्मी को संतुलित करता है। विभिन्न प्राकृतिक मोती तथा नग भी गहनों में सोने के साथ प्रयोग किए जाते हैं, परंतु वह एक बहुत विशाल विषय है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी राशि के अनुसार उचित मात्रा में उचित समय पर ही जानकारों से संपर्क कर ही वह गहनों में लगवाना चाहिए। इसलिए हम नहीं कह सकते किसको क्या सूट करेगा। महिलाओं का करधनी पहनना, तगड़ी भी कहते हैं उसको, कमर में पहनी जाती है, उनकी कमर के आकार को सुंदर व लचीला बनाने के लिए लाभदायक है। कमर दर्द तथा जननांगों से संबंधित सभी बीमारियां ठीक होती हैं। पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है। यदि महिला गर्भवती है तो गर्भस्थ शिशु बलवान व निरोगी पैदा होता है। घुंघरू वाली चांदी की भारी पायल पहनना हितकर है। सोने की पायल पहनना वर्जित है। पायल की छनछन जीवन में सकारात्मकता लाती है, स्वयं के जीवन में व सुनने वालों के जीवन में भी। महिलाओं की हार्मोन्स की समस्या इससे दूर होती है और पैरों की सूजन भी समाप्त होती है। हड्डियां मजबूत होती हैं। चांदी की रगड़ से पैरों की एड़ियों की रगड़ को होने से घुटनों का दर्द दूर होता है। हिस्टीरिया नामक बीमारी से बहुत लाभ होता है। जो ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर जाती है उसे चांदी की पायल वापस शरीर में पहुंचाती है, शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाती है, इच्छा शक्ति मजबूत करती है। हमारे 16 श्रृंगारों में से 15वां श्रृंगार होता है पैरों की बिछिया। अंगूठे के बाद वाली उंगली में बिछिया पहनना महिलाओं का, गर्भस्थ शिशु का तथा गर्भाशय से संबंधित स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हार्मोन्स का सिस्टम सही काम करता है। अब यहां मैं बताती हूं कि पैरों की पायल तथा बिछिए चांदी की क्यों पहनना चाहिए, सोना क्यों नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर को ठंडा रखना चाहिए और पैरों को गर्म रखना चाहिए। जो भी गहने हम पैरों में पहनते हैं उसका प्रभाव सर के ऊपर जाता है और जो हम सिर में पहनते हैं उसका प्रभाव पैरों पर आता है। तो यदि हमको सिर को ठंडा रखना है तो हमें पैरों में चांदी पहनना चाहिए, क्योंकि चांदी का स्वभाव ठंडक देना होता है और सोने का प्रभाव गर्मी देना होता है। इसलिए पैरों को गर्म रखने के लिए हमें सर पे सोना अधिक पहनना चाहिए। मछली के आकार की बिछिया सर्वश्रेष्ठ होती है, वो गर्भाशय को नियंत्रित करती है। ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तलवे से लेकर नाभि तक की सभी नाड़ियां तथा मांसपेशियां व्यवस्थित होती हैं।
चांदी पृथ्वी की ध्रुवीय ऊर्जा को हमारे शरीर तक पहुंचाती है। अब यह तो हुई आभूषणों की बात, अब हम बात करते हैं शरीर की सजावट की, देह के श्रृंगार की। मेहंदी महिलाओं व पुरुषों दोनों के प्रयोग की वस्तु है। पुरुष साधारण तथा महिलाएं सुंदर आकृतियों वाली मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी में एक कूलिंग एजेंट होता है, ठंडा रखने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला तत्व, जो शरीर की गर्मी को संतुलित करता है, ताप से, बुखार से छुटकारा दिलाता है, सिर दर्द से प्राकृतिक रूप से छुटकारा दिलाता है, विषाणु नाशक तथा फफूंदी की वृद्धि को रोकने वाला, अर्थात एंटीवायरल तथा एंटी फंगल पदार्थ मेहंदी में होता है। यदि उचित मात्रा में आंवले व अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बालों में मेहंदी लगाई जावे तो हेयर कलर और कंडीशनर दोनों का काम ये मेहंदी करती है। शुद्ध घी के दिए से बना हुआ काजल, होममेड काजल, ना केवल आंखों को विभिन्न बीमारियों से बचाता है बल्कि उन्हें साफ रखता है, नेत्र ज्योति को लंबे समय तक बढ़ाता है। बीटरूट के चुकंदर के रस में व देसी गुलाब की पंखुड़ियों में यदि कुछ और चीजें मिलाकर ऑयल एंड मोम तो एक ऐसी लिपस्टिक तैयार होती है जो ना केवल आपको सुंदरता प्रदान करती है बल्कि आपके होठों को प्राकृतिक रूप से सदा के लिए रंगीन बना देती है। नहाने के पानी में नीम की पत्तियां पकाकर मिला लें या फिर संतरे के छिलके या गुलाब की पंखुड़ियां, शरीर की प्राकृतिक बदबू, बॉडी ऑडर जो होता है, वह पानी बहुत लाभ देगा, त्वचा चिकनी व रोग नाशक हो जाएगी। मल त्याग के लिए यदि इंडियन सीड का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर की बनावट के आधार पर जब हम इंडियन टॉयलेट सीट पर बैठते हैं तो जांघों से पेट पर पूरा दबाव पड़ता है और पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। आप जानते ही होंगे कि 80% बीमारियों का कारण पेट पूरा साफ नहीं हो पाना होता है। इसके अतिरिक्त इस बैठक से हमारे पूरे पैर, जांघों, घुटनों, एड़ियों तथा उनके सभी जोड़ों को बहुत लाभ मिलता है। वहीं जब आप इंग्लिश कमोट पर बैठते हैं तो वह कमोट प्रत्यक्ष रूप से आपके शरीर के संपर्क में आता है। आपके पीछे की जांघें उससे टच होती हैं। उस जगह पर और लोगों के शरीर के भी भाग सीधे संपर्क में पहले आए थे। इसके कारण कई बीमारियां होती हैं। इनमें से मुख्य बीमारी है यूटीआई, अर्थात मूत्र पथ का संक्रमण हो जाता है। यह बीमारी इस समय बहुत अधिक प्रचलित है। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश कमोट का प्रयोग करते हैं। लगभग सभी महिलाओं को यह बीमारी हो जाती है। पहले के समय में, पुराने समय में भोजन लकड़ी, कोयले या कंडों पर पकाया जाता था, वो आज के समय में तो संभव नहीं है। बहुत सारे कारण हैं और मुख्य कारण यह है
कि इससे धुआं बहुत अधिक होता है, परंतु यदि संभव हो तो आप इसे अवश्य अपनाएं। परंतु यदि गैस पर पका रहे हो तो प्रयत्न करें कि भोज्य सामग्री प्रत्यक्ष रूप से बर्नर को टच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम भुट्टे भून लेते हैं गैस पर डायरेक्ट, या फिर बैंगन भरते के लिए बैंगन उस पर सेंक लेते हैं, या फिर रोटी को फुलाने के लिए डायरेक्ट बर्नर पर डालते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पत्थर की शिला पर मसाला पीसना, सिल कहते हैं उसको, अमृत के समान है, क्योंकि शिला में कई प्रकार के खनिज और प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। जब आप इस मसाले का प्रयोग करते हैं अपने भोजन में तो ये खनिज पदार्थ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बीमारियां आने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं, खाने का स्वाद पहले से बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो स्त्रियां बैठकर शिला पर मसाला पीसती हैं उनके पूरे शरीर का मोटापा कम हो जाता है। गर्भवती स्त्री यदि मसाला पीसती है सिल पर तो यूट्रस अर्थात गर्भाशय को व्यायाम मिलता है तथा प्राकृतिक रूप से बच्चा होता है, नॉर्मल डिलीवरी। हाथ के पिसे मसाले को खाने से हमें मसालों के स्वाभाविक स्वाद का पूरा लाभ मिलता है, जबकि मिल में पिसे मसाले अत्यधिक तापमान में पीसे जाते हैं और वो पहले ही उनके प्राकृतिक गुणों को जला देते हैं। परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम व तालमेल बनाए रखने के लिए किसी भी एक समय का भोजन हमें पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना चाहिए। यही कारण था कि पुराने समय में परिवारों में प्रेम, भाईचारा तथा अपनापन अब के समय से बहुत अधिक था। अब भी हम घर के बच्चों को वही परंपरा के बीच बो सकते हैं तो संभवतः संयुक्त परिवार की प्रथा वापस आ जावे। संयुक्त परिवारों के लाभ बहुत अधिक थे, हानियां बहुत कम थी, यह अब हमको समझ में आता है। यह एक बहुत लंबा विषय है, कभी और इस विषय पर बात करेंगे हम। आप प्रयत्न यह करें कि पूरे परिवार के सदस्य साथ में बैठकर भोजन करें और संभव हो तो धरती पर सुखासन में बैठकर। और यह जो विषय है यह इतना व्यापक है कि इस ऑडियो में नहीं बोल सकती। यदि आप जानना चाहते हैं और भी डिस्कशन करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट पर तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक का बटन दबाइए, और यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व संबंधियों को शेयर भी करें। धन्यवाद।